दोस्तों, अगर अपनी माँ को खोने के बाद प्रेम भाव से वंचित एक बच्चा उसी प्रेम को अपनी कहानियों की पहचान बना मुंशी प्रेमचंद बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स ब्रिटिश राज और पार्टीशन में एक व्यंग ढूंढकर सादत हसन मंटो उर्दू भाषा के रेबेलियस लेखक बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और अगर जातिवाद से जूझते समाज का भयभीत सच अंग्रेजी भाषा में लिखकर मुल्कराज आनंद इंडो एंग्लियन फिक्शन के पायनियर बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा आविष्कार यानी इन्वेंशन है राइटिंग, और राइटिंग हर सभ्यता की बुनियाद है। इसी सोच के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है। राइटिंग की कला हमारे जीवन में किसी भी चीज को समझना या समझाना बहुत आसान कर देती है। कालिदास, वेदव्यास से लेकर तुलसीदास, कबीर और ना जाने कितने लेखक हैं जिन्होंने अपनी लिखने की कला से इस दुनिया को देखने और समझने का एक नया नजरिया दिया है। दोस्तों, आज जो मेरे आदरणीय दोस्त यहां आए हैं वो कलम की स्याही से शब्द नहीं एहसास लिखते हैं। इनकी लिखी हर पंक्ति में एक अमूल्य परिभाषा छिपी होती है। अपने शब्दों के अंदाज से इन्होंने दुनिया का एक विचित्र आईना बनाया है जिससे झांकती है कुछ साधारण व असाधारण सच्चाइयां। भारत के सबसे प्रभावशाली लेखक, वेरी सेंसिटिव डायरेक्टर एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, प्लीज वेलकम गुलजार साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आपको, आपसे बातचीत करने का मेरा बहुत दिल था पिछले सीजन से, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वक्त ढूंढा और आज आप इस शो में आए। इस शो का नाम, आपसे बातचीत तो अक्सर होती रही है जी, सिर्फ ये जानने की तमन्ना रहती है कि आपका जी था मुझसे बात करने का या इम्तिहान लेने का, क्योंकि ऐसे मौकों पे अक्सर मैं डरा रहता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल इम्तिहान नहीं लेंगे, टेक्स्ट से बाहर की कोई बात ना पूछ लें, जितना पढ़ा है उतना ही पूछिए। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन हो सकता है या आपसे ज्यादा ज्ञानी कौन हो सकता है। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, मैंने सुना कि आप टेनिस का कोई चैंपियनशिप जीते हैं सर। नहीं, चैंपियनशिप का हमारा अपना बांद्रा जिम है, वहां पे अपना हमारा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होता है साल में एक बार। तो जीते हैं कि नहीं? तो जी हाँ, आई गॉट द ट्रॉफी। अरे तो फिर थैंक यू, थैंक यू। आपने आपने ये कब डिसाइड किया कि आप व्हाइट कपड़े पहनेंगे? बिकॉज़ आई थिंक इट हैपेंड फ्रॉम माय कॉलेज टाइम। अच्छा, तब से? जी हाँ। तो मैं सिर्फ ये है कि सफेद कपड़ों में पहले बुशर्ट भी पहनते थे। अच्छा, शर्ट भी पहनते थे, कुर्ता धोती भी पहनते रहे कई साल, बिकॉज़ बंगाली स्टाइल में। अच्छा, धोती कुर्ता पहनते थे? जी हाँ, जमाने में वो भी किया जब हेमंदा के साथ थे, जिस जमाने में यार, तो शौक था, अच्छा लगता था, बंगला जबान अच्छी लगती थी, बंगाली बड़े अच्छे लगते थे। और वो तो आप जी, मेरे गुरु भी बंगाली, विमल रॉय के साथ आपने शुरुआत की और काफी साल आप उनके साथ रहे। जी हाँ, और सबूत देने के लिए फिर बंगालन से शादी भी कर ली। बट यू वर बॉम्बे जब आप आए थे, आप एक मोटर मैकेनिक के यहाँ काम करते थे। मैं, हमारी मतलब फैमिली का कुछ रीएडजस्टमेंट जब हुआ तो आई वाज स्टडिंग इन दिल्ली। अच्छा, तो इन दैट रीएडजस्टमेंट ऑफ फैमिली उसमें मुझे फिर बम्बई, बड़े भाई मेरे यहाँ पे थे, हैं अभी, जी जी, उनके यहाँ भेज दिया गया। तो फिर यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था खालसा में। Took small jobs here and there. What were the jobs that you took? One was this motor garage. Motor garage but काम? Not a mechanic. Motor garage. Accident कारों के रंग match करना। I had a knack for mixing colors and creating shades. उसको touch up करने के लिए।
तो मुझे एडवांटेज ये था कि वहाँ पढ़ने लिखने का वक्त मिल जाता था मुझे बहुत. बुक्स वर अ पैशन विद मी ऑल अलोंग ऑलवेज राइट फ्रॉम स्कूल. और आपकी फैमिली योर ब्रदर wanted you to take up a regular job or something. Yeah, like naturally, सारे बुजुर्ग जो जो आपके खैरखा हैं, जो बुजुर्ग हैं, they don't expect कि आप writing to take up as a profession. क्योंकि हमारे यहाँ writer की income किताबों के पर तो आज भी नहीं जी सकते आप. जी. Totally. जी. लेकिन ये कि राइटर्स के लिए आज दूसरे जॉब्स बहुत हैं, आज और बहुत से काम मिल जाते हैं राइटर के लिए. अब उस जमाने में तो वो सब नहीं था. तो आप उस दौरान जब आपकी फैमिली आपके लेखनी पर एक किस्म का ऑपोजिशन करती थी, तो आप उसको उसको आप उससे कैसे डील करते थे? आप रेबेल थे या नहीं? आई हैव नेवर अ बिग रेबेल बट यू आर अ वेरी क्वाइट चाइल्ड. कुछ वैसे ही कुछ अहिंसा जो एक रास्ता है ना जी रेवोल्यूशन ढूंढने का, तो गांधी जी है ना बता देते हैं इस तरह के रास्ते. अच्छा. बस ये कि मुझे वो नहीं बनना था जो वो चाहते थे. चाहते थे बुक्स एज आई सेड कि वो पैशन था मेरा, पढ़ने का बहुत पैशन. कौन था? किस किस्म की किताबें पढ़ते थे आप उन दिनों? क्या पढ़ते थे आप? टू स्टार्ट विद बड़ी जासूसी नॉवल पढ़ा. अच्छा. थ्रिलर्स हिंदी में पढ़ते थे, अंग्रेजी में पढ़ते थे, उर्दू में पढ़ते? उर्दू में. जी हाँ. तलिस्मी किला, तलिस्मी मैं भी पढ़ता था उर्दू. तलिस्मी छुरा, बहराम डाकू. जी जी. एक इब्ने सफी थे, इब्ने सफी बीए. जी हाँ. इब्ने सफी विनोद हमीद के बहुत बड़े राइटर. बहुत बड़े राइटर. बहुत बड़े राइटर. हाँ. बस उस दौर में जब वो पढ़ता था मैं, क्योंकि मैं वही मैंने कहा ना जैसे फैमिली का अरेंजमेंट था हमारा, तो आई हैड टू गो एंड स्लीप इन द शॉप. अच्छा. दुकान पे सोना पड़ता था जाके, तो खाना खाओ और चले जाओ जाके. तो अब बिजली भी नहीं थी वहाँ, तो एक वो लंबी चिमनी वाला वाली लालटेन. तो और उस उम्र में जाके आदमी अब कैसे 8 बजे जाके कैसे सो जाए, 7-8 बजे तो खाने हो जाया करते थे. जी. तो फिर मैं वो एक लाइब्रेरी थी छोटी सी, पार्टीशन हुआ था, खोखे बना लिए थे रिफ्यूजीज ने ले जाके. तो जो अखबार भी बेचते थे, किताबें भी देते थे, किराए पर भी देते थे, और हफ्ते में 4 आना और किताबें जितनी चाहो पढ़ लो. अच्छा. तो लोग यही उनका अंदाजा था, भाई एक किताब पढ़ लेगा, दो पढ़ लेगा, और क्या. और मैं अब जासूसी नॉवेल का तो ये चस्का होता है कि जब तक क्लाइमेक्स ना मालूम आप छोड़ते नहीं. और मैं रात भर में उसको खत्म कर लेता था, अगले दिन फिर पहुंच जाता था. तो तंग आ गया वो आदमी मुझसे. अच्छा. वो दैट रिफ्यूजी हु हैड स्टार्टेड दैट, कि घाटे वाली बात हो गई ना. करेक्ट. चार आने में तो उसने यही कहा कि 4 आने में कितनी किताबें दूंगा भाई मैं तुम्हें. नहीं. और ये ऊपर के शेल्फ से उसने एक किताब निकाली और मुझे ये ले जाओ पढ़, और नहीं है किताब अभी. अच्छा. एंड दैट मैन डिड नो कि उस एक वक्त में जब वो किताब निकाल रहा था वो मेरी जिंदगी का रास्ता बदल रहा है. कौन सी किताब थी वो? किताब उसने दी थी, उसका नाम था गार्डनर बाय टैगोर. टैगोर की नज़मों का ट्रांसलेशन था. ओके. और मुझे उसका कवर पेज भी अभी तक जमाने में उसी तरह से जहन में याद है. पहली नज्म थी माली. माली. बस वो किताब लग गई मुझे और मुझे बड़ी अच्छी लगी. दैट चेंज माई टोटल पैटर्न ऑफ रीडिंग एंड पिकिंग अप बुक्स. एंड टैगोर आज भी मैं उसी तरह से एडमायर करता हूँ. मतलब आज भी है. He is a master, very very big poet. वो हमें तो अभी पहचाने नहीं हिंदुस्तान में उन्हें हमने, और खासतौर पर विश्व भारती में वो बंद रहे इतने साल. तो उनके 60 साल तो 1940 ही एक्सपायर्ड, तो 60 साल के तो वैसे ही राइट्स नहीं दिए गए, खोले गए. अब आके टैगोर हिंदुस्तान में अब जगह जगह ट्रांसलेट हो रहा है. बट माई टोटल टेस्ट ऑफ रीडिंग एंड लिटरेचर जिसे कह सकते हैं आप, दैट बिकेम माई पैशन. मैंने टैगोर पूरा उसकी सिलेक्टेड पोएम्स, एक खास उस उम्र की
वो अब पब्लिश की हैं, ट्रांसलेट की हैं वो सारी नज़में जो जहाँ से शुरुआत हुई थी. इट कम्प्लीट्स माई होल सर्कल ऑफ टैगोर. हाँ, वंडरफुल. ये किताब आपने जैसे गार्डनर पढ़नी शुरू की, माली, तो ऐसी उसमें क्या चीज थी विच मेड यू रिलेट टू इट? आई कॉन्ट पुट नेल ऑन इट, कॉन्ट पुट माई फिंगर ऑन इट कि ये बात थी जिसने मुझे वो कर दिया. लेकिन ये कि दैट गेव मी अ रीडिंग फ्रॉम टैगोर, टैगोर स्टोरीज, टैगोर नॉवेल्स, शरचंदर, शरचंदर नॉवेल्स. शरचंदर को अगर शरचंदर के आप नॉवेल्स पढ़े, शॉर्ट स्टोरीज पढ़े तो एक ह्यूज कुनबा दिखाई देता आपको. जी, बहुत बड़ी एक फैमिली दिखाई देती है. When I referred to my family, it was a very complex family. And I started seeing my family in Sharchandra's novels. I could see the relationship, different relationships, jo ek dusre ko ki raah se guzar ke nikal jaate hain, ek dusre ke saath tange rehte hain, ek saath tange aur kahin hook ho jaate hain aur kahin phalang jaate hain aur kahin dab jaate hain. I could see all that in Sharchandra. मेरा ख्याल है कि वो बात थी जो मेरे तय में जो बैठ गई मेरे. सो आपने फिर जब पहली चीज लिखी, हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू रोट योर फर्स्ट समथिंग विच यू रोट कि आपको पढ़ के लगा या जो भी? अनुपम, वो भी एक एक दिन या एक मौका या जी, एक जी, और एक चीज नहीं होती. जी जी जी. बैतबाजी किया करते थे स्कूल में, जिसे आप अंताक्षरी कहते हैं. उसे बैतबाजी कहा करते थे. बैतबाजी, बैत, बैत के माने शेर के. हाँ हाँ, अच्छा, बैतबाजी. तो फारसी में. जी जी जी. वो पूरी क्लासरूम कैसे, जैसे ये आपके यहाँ बीच में से जगह बनी हुई है, एक क्लास का हिस्सा ये है, एक क्लास का ये हिस्सा है, और आप उसमें बैतबाजी कीजिए. तो उसमें फिर अपनी नहीं, उसमें चोरी किया करते थे. अच्छा, बेईमानी किया करते थे. अच्छा. हाँ, जिंदगी नाम है मर मर के, ये वो अ से देना था, अलिफ से. तो इस जिंदगी का नाम है मर मर के जिए जाने का, तो इस लगा लिया उसमें. तो मौलवी साहब वो बहर के खिलाफ, वो बहर में नहीं है, शेर गलत पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है उस्ताद उस्ताद होता है. एब्सोल्युटली. तो उसके बावजूद चोरी तो करना वो फर्ज बनता है, हार तो नहीं सकते आप पॉइंट अपना. फिर घड़ना शुरू कर दिए, पे से घड़ना शुरू कर दिया, रटने भी शुरू कर दिए. होता ये है कि वो सब जमा होता रहता है आपके अंदर, एक्यूमुलेट होता है. और वो अच्छे शेर जो याद कर लिए, गालिब के पढ़ लिए, इकबाल के पढ़ लिए, धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं, उस दायरे से निकलते हैं, तो उनके मानी अब समझ में आने लगते हैं. पहले तो शेर पढ़ दिया करते थे, वो सिर्फ जाल का था, अब वो गालिब का हो गया, अब इकबाल का हो गया, तो शेर समझ में आने लगे तो एडमिरेशन है. देन यू वॉन्ट टू से इट, राइट. फिर आप नकल करना शुरू करते हैं कि इस तरह का मुझे भी कहना है, इस तरह का कह लो. तो इट्स अ प्रोसेस विच फाइनली कम्स और वो एक्यूमुलेट हो जाता है आपके अंदर. मैं मिसाल रोजमर्रा की, आई होप आई एम नॉट डूइंग, नो नो प्लीज, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आप बोल प्लीज. आप रोज पूजा करते हैं, रटे हुए हैं, गायत्री मंत्र रटा हुआ पढ़ गए. किसी दिन कोई गुरु जब मिल जाता है, तो जब उसका मतलब समझाता है, तो आपकी बाछे खिल जाती हैं. बिल्कुल, उसके मतलब समय में आने लगते हैं. जी 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 जी. देन यू फील कि यार ये पढ़ना चाहिए. दैट्स व्हाई आई से कि इट्स अ प्रोसेस टू बिकम अ राइटर. यू डोंट टर्न अ राइटर ओवरनाइट कि हम बस हमने सोचा अब हम शेर कहा करेंगे तो आगे से शेर कहेंगे, ये नहीं होता. पता कैसे लगता है कि दैट यू आर अ गुड राइटर? गुड का तो अभी तक नहीं पता चला, आप बता दें क्या कर रहे हैं गुलजार साहब. नहीं, वाकई मतलब ये जरूर है कि एक स्टेज पे आपके इतनी तो समय में आने लगता है, इतनी इतनी अकल तो आ जाती है कि अगर आप अनुपम खेर आपको बुला रहे हैं तो आप किसी काबिल तो होंगे, कुछ ठीक ही कह लेते होंगे, वरना क्यों बुलाते हैं हमें, है ना. एक बात मैं आपसे पर्सनल रूप से पूछना चाहता हूं. इज इट इंपॉर्टेंट, not necessarily about you, it is important for a poet to be sad? उदासी जरा देर तक रहती है. अच्छा. खुशी कम रहती है, फुलझड़ी की तरह जल जाती है, जल्दी बुझ भी जाती है. अब देखिए, इसी बात का आपने कितना खूबसूरत जवाब दिया कि उदासी देर तक रहती है और खुशी फुलझड़ी की तरह. जी हाँ, उदासी अगरबत्ती की तरह महकती रहती है, बहुत देर तक रहेगी.
बीड़ी जलाले जिगर से पिया, जिया में बड़ी आग है। अरे वाह, जिगर में आग तो बहुत है, लेकिन उदास अगर नहीं हूं तो बीड़ी जला लो, जितनी आग है मेरे जीवन में। वाह, और चूल्हा जलाने के लिए जा पड़ोसी के यहां से आग लेके आ जा। क्या बात है, तो वो कहने का ढंग है। क्या बात है, और फिर ये कि फिल्मों में आपको किरदार मिल जाए इस तरह कहने के लिए, तो फिर क्या बात है। क्योंकि फिल्मों में ये बंदिश तो है ना, आप किरदार से अलग नहीं हो सकते, कहानी से अलग नहीं हो सकते, और फिर किरदार की जबान से अलग नहीं हो सकते, आपको उसी की जबान में कहना पड़ेगा। मतलब गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, अब एक गैंगस्टर शराब पी के और के यही गाएगा ना, अब वहां दिले नादा तुझे हुआ क्या है, तो नहीं गा सकता। गुलजार साहब, आपके दोस्त या आपके कोई पहचान के शख्सियत, आप शायद उसका नाम बताएंगे, आपको बिमल रॉय साहब के पास लेके गए और उन्होंने आपसे कहा कि आप एक गाना लिखें। देवू सैन दोस्त थे मेरे। हाँ, ओके। जो ले गए थे मुझे विमलदा से मिलने गए, तो विमलदा ने कहा, मेरे नाम ही की वजह से कहा उन्होंने, कि बंगला में कहा कि बहुत लोग की करे जान बेजे वैष्णव कविता टकी। तो देवू ने कहा, दादा वो बंगला जानता है, बोल भी लेता है, पढ़ता भी है इसको, तो ये मत बोलिए। तो बंगला में उन्होंने पूछा कि ये इसको कैसे मालूम वैष्णव कविता क्या होती है। आई रिमेम्बर द ब्लश ऑफ विमलदा। ये बुजुर्ग हमारे बड़े खूबसूरत लोग थे, विमलदा सचिनदा जी, मासूम लोग। सचिनदा के पास भेज दिया, वहां पे जाके ट्यून सुनी उनसे, ट्यून के ऊपर ये लिखा मुरा गो रंग ले ले, मतलब ट्यून बनी हुई थी उसी के ऊपर लिखा हुआ है। बहरहाल गाना हो गया वो सारा का सारा। तो उसके बाद मुझसे कहा, कहने लगे मुझे मालूम है तुम फिल्मों में नहीं आना चाहते, तुम फिल्मों के गाने नहीं लिखना चाहते, लेकिन अब एक नया पिक्चर बनाता है, शुरू करता है अभी, काबली वाला पढ़ा तुमने? मैंने कहा जी हाँ पढ़ा। तुम एक काम करो, तुम मेरे इधर असिस्टेंट हो जाओ, इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, यू विल लाइक इट, बट डोंट गो बैक टू दैट मोटर गैराज एंड डोंट वेस्ट योर लाइफ। मैं बिलीव मी, मैं सबके सामने कह रहा हूं, आई जस्ट बस्टेड एंड क्राइड आउट, नोबडी हैड एवर टोल्ड मी विद दैट अफेक्शन, दिस इज द लाइन यू शुड डू दिस। बस काबली वाला शुरू कर रहे थे, वो काबली वाला की स्क्रिप्ट देखी और थोड़े बहुत, थोड़े से कहते हैं ढिटाई होती है अगर आप ईमानदार हैं, तो कहने का ढंग रूड नहीं होता, लेकिन बड़ी पोलाइटली आप कह सकते हैं ये सीन ठीक नहीं लग रहे, ये ठीक नहीं है, You have read the original. तो ये लिख के लाओ, तो वो जो लिख के लाओ कहा था उन्होंने, तो लिख के भी ले गए, तो वो अच्छे लगे उन्हें। So I became the chief assistant in Kabuliwala because I was the only assistant. I think that is where I got a little extra affection from him, a fatherly affection. क्योंकि लिख भी लेता था, पढ़ भी लेता था, जानते भी थे, पढ़ा हुआ भी है। विद रिजल्ट आई एंटर्ड फिल्म्स, आशीर्वाद के गाने भी लिखे, स्क्रिप्ट भी लिखी, बीवी और मकान तो उसके गाने वो किए, फिर ऋषिदा के साथ उनके पिक्चरों में गाने लिखने लग गया मैं, फिर उनके स्क्रिप्ट भी लिखने लग गया, तो स्लोली आई बिकेम अ राइटर। आई थिंक आनंद वॉज दैट फर्स्ट फिल्म, आनंद ने उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया था जहां कि कह सकते थे इस राइटर को बुला लो। अच्छा, आनंद बिकेम फेमस फॉर हिज डायलॉग एंड बहुत खूबसूरत फिल्म थी। एंड देन यू डिसाइडेड टू डायरेक्ट, 71 में आपने की थी मेरे अपने। या एंड आपने फिल्म इंस्टीट्यूट के बहुत सारे एक्टर्स को उसमें चांस दिया था। डैनी की पहली फिल्म थी, पेंटल की पहली फिल्म थी, सुधीर ठक्कर एंड दिनेश ठाकुर दोनों की पहली फिल्म, बहुत पावरफुल फिल्म थी। या एंड देन यू मेड वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म्स कॉल्ड आंधी। या खूबसूरत गाने गा के बताई ना ये लाइन,
क्या भाई इतनी एक लाइन तो गा के बता दीजिए सर आप... नहीं ऐसे ही मतलब मेरे लिए ये कुछ भी हो सकता मोमेंट है। आई थिंक इट्स लाइक गेटिंग अ बिगेस्ट अवार्ड फॉर मी मच बिगर देन एनी अवार्ड दैट आई गॉट एज एन एक्टर टू बी एबल टू सिंग इन फ्रंट ऑफ यू योर ओन सॉन्ग्स विच आर माई फेवरेट सॉन्ग्स थैंक यू फॉर अलाउइंग मी थैंक यू वेरी मच और ये जो शब्दों के साथ जिनका पूरा रिश्ता रहा है उन्होंने एक फिल्म बनाई कोशिश अबाउट डेफ एंड Dumb people. जया बच्चन एंड संजीव कुमार साहब मैं डेफ एंड डम से एक्चुअली उस जमाने में हमने जया एंड हरी वी वेंट टू चौपाटी पे स्कूल हुआ था साइन लैंग्वेज सीखी हम तीनों ने अच्छा एंड देयर वाज ऑलवेज अ मैन इन ऑन द सेट्स तो जो साइन लैंग्वेज है वो बिल्कुल सही है और सीख के मेहनत की गई तो उस पे उस जमाने से मैं फिर इन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूं और मैं आज 30 साल से 70s में कहीं की थी और 30-35 साल हो गए भोपाल में आरुषि नाम से एक संस्था जहां मैं उन बच्चों के साथ आज भी काम करता हूं और कंटिन्यूसली करता हूं फिर आपने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी फिल्म बनाई मार्चेस ऑन टेररिज्म वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विद अ रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल अगेन उसका एक गाना बिकेम द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग चप्पा चप्पा चरखा चले दैट इज वेयर विशाल कम्स इन विशाल ने उसका म्यूजिक दिया yeah, विशाल फर्स्ट फिल्म विद हिम एंड फर्स्ट विल फॉर हिम और वो मुझे एक मिठाई की दुकान पे मिल गए थे दिल्ली में आप लोगों ने शायद देखी हो तो अमजद अली खान साहब के लिए एक रिकॉर्डिंग करनी थी दिल्ली में उन्हें सरोद पर तो उन्होंने एक स्टूडियो बुक किया था उसका मुझे एड्रेस दे दिया तो और वो मुझे मिला नहीं शाम के वक्त वहां पे गया और तो उस जमाने में ये सेल तो थे नहीं ना वहीं पे जाके उस स्टूडियो का नंबर था मेरे पास एक फोन किया तो मैं कहा जी ये एड्रेस कहाँ है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो जिस आदमी ने फोन उठाया दैट वाज विशाल भारद्वाज जी हाँ विशाल हाँ। भारद्वाज हाँ। तो विशाल ने कहा जी मैं आ रहा हूँ आप कहाँ पर हैं इस वक्त मैं कहा ये यहाँ एक मिठाई की दुकान है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ फोन कर रहा हूँ आपको तो कह लिया आप वहीं पर रहिए मैं सुबह से यहाँ खड़ा हुआ मैं अभी आ रहा हूँ अच्छा तो ये आए मुझे लेने और वहां से वो लेके गए और मुझसे बिलीव मी विशाल को मैं अगर उसके बाद ऑफ कोर्स कहने लगे मैं ये करना चाहता हूँ ये फलाना मैं ऑफ कोर्स बड़ी अच्छी बात है बट ऑफ हैंड इट विल बी वेरी फिल्मी अगर मैं तुमसे कहूँ कि अच्छा मिलना मुझे इट्स नॉट दैट लेकिन ये कि अगर तैरना है तो बच्चों दरिया किनारे तो आना होगा जिस दिन आए वो मेरे पास तो मुझसे उन्होंने कहा कि आपकी किताब मुझे ज़बानी याद है आप अगर कोई भी लाइन कोई भी मिसरा कोई भी लफ्ज कहें तो मैं बता सकता हूँ कौन सी नज़्म में से हम पूरी नज़्म सुना दूँ माई इंटायर बुक ही न्यू बाय हार्ट वाह तो उस ज़माने में जंगल बुक सीरियल के लिए टीवी के लिए उसके लिए एक वो बनाना था टाइटल सॉन्ग तो उसके लिए मैंने गाना उनके साथ बैठ के किया जंगल जंगल बात चली है पता चला है चड्डी बहन के फूल खिला सो दैट वाज द फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ विशाल फॉर दैट जो एंड दैट वाज एक्सेप्टेड एंड दैट्स हाउ विशाल इज विद मी एंड आई एम विद विशाल सिंस दैट हाउ वंडरफुल व्हाट अ ग्रेट टुगेदरनेस इन 1999 यू मेड अ फिल्म कॉल्ड हुतुतु जी एंड आफ्टर दैट आपने डायरेक्शन बंद कर दी क्यों दो चीजें हुई इसमें एक तो ये फिल्म जिस तरह से बनी थी उस तरह रिलीज नहीं हुई अच्छा मेरे प्रोड्यूसर थे उनकी मर्जी उनकी मलकियत तो उन्होंने वो सारी काट कटा के रिलीज की तो जो
बनाने के दौरान बोले नहीं, तो ये मीडियम वहाँ के थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लग गया मैं कि जो अपने हाथ में नहीं जिसकी लगाव है तो मैं क्या सवारी करूँ उस पर. I went into a big depression after this. My daughter Meghna was the person who helped me and who brought me out of that. एक तो ये हुआ मेरे साथ, और दूसरी वजह ये थी कि किताबें बहुत ज़्यादा थी मेरे दिमाग में जो करनी है. तो मुझे लगा कहीं ना कहीं आके किसी जगह पे तो एक लकीर खींचनी पड़ेगी. I have to come back to my books, which were my passion. अदरवाइज वो मुकम्मल नहीं होगा, ये दायरा पूरा नहीं हो पाएगा कभी भी, और मैं वो कर नहीं पाऊँगा जो कुछ करना चाहता हूँ. तो वो यूँ है कि बस राह में एक मैखाना मिल गया था, तो मैखाने से होके फिर वापस आ गए उसी जगह पे. बोस्की ने क्या चेंज किया आपकी जिंदगी में? शी इज द कोर ऑफ माई लाइफ. वो आपकी औलाद, आपकी बेटी, पता नहीं सबके साथ हो कि नहीं हो, लेकिन मेरा मरकज उसकी पैदाइश से ही, तभी से वो मरकज बन गई थी, वो सेंटर कोर बन गई थी. और उसका कोई उदास लम्हा है तो उसके उदास होने से पहले मैं उदास हो जाता हूँ, और उसकी खुशी का लम्हा है तो उससे पहले मैं खुश हो जाता हूँ, मैं फूल पड़ता हूँ. हालांकि नवासा, आप ग्रैंड चाइल्ड के साथ आपकी एक और ही तरह की बंदिश होती है जी. उनका नाम क्या है? समय. समय 5 बरस के हैं उस, तो उनके साथ बंधी हुई है डोर पूरी जीने की, मेरी हर सांस बंधी हुई है उसके साथ. वाह. लेकिन बट शी रिमेन्स द कोर ऑफ माई हार्ट, शी रिमेन्स द कोर ऑफ माई लाइफ. आपकी पोएट्री में एक अनबिलीवेबल इमेजरी होती है, मतलब किसी भी गाने को ले लो. वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग अगेन इज फ्रॉम मासूम. एक सेकंड, गुस्ताखी माफ, आप नाराज तो नहीं होंगे मुझसे? नहीं, अगर आप मुझे करेक्ट करेंगे. नहीं हाँ, अगर ये कहूं कि इसकी भी धुन सुना दीजिए तो इससे नाराज थे. आप लोग बताइए कहना है कि नहीं. यस. गुलजार साहब, इट्स सो अमेजिंग. और इस शहर में आपका हर गाना बहुत कहीं कहीं ना कहीं रिलेटिविटी कमाल है आपके गानों की. या तो मैं रिलेट करता हूं, बट आई एम श्योर लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ एक्टर्स, लॉट्स ऑफ राइटर्स, लॉट ऑफ पीपल हु ट्रेवल ऑन ट्रेन्स, ये गाना हर पर बैठता है और बिल्कुल करेक्ट है. मतलब मैं अभी बात कर रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. कैन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रीड कुछ अपनी कविताएं? मेरी एक फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट इस जो आपने किताबों पर लिखी है. जी हाँ. किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, ये देखिए पीछे अपने. किताबें झांकती हैं बंद अलमारी, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती. वाह. जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर. बहुत अच्छे. बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई. वाह. बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है. जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधड़े उधड़े हैं. जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधड़े उधड़े हैं. कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है. बहुत अच्छे. ये कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है. कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज. वाह. जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते. वाह. बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते. ज़बां पर
जायका आता था जो सफा पलटने का. दिस इज हाउ वी डू. जबान पर जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है. वाह. बहुत कुछ तय बतय खुलता चला जाता है पर्दे पर. किताबों से जो जाती राबता था कट गया है. कट गया. किताबों से जो जाती राबता था कट गया है. कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर, रहल वो था लकड़ी का टुकड़ा जिसके ऊपर मुकद्दस किताब रखी जाती. जी 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 जी. कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबीन से. वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके उसमें डाल के आ जाते थे मैसेजेस. वाह. मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वाह. शायद अब नहीं होंगे. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. क्या करते हो आप गुलजार साहब? कोई आपकी और एक कविता प्लीज सुनाइए. अ गेम ऑफ चेस. जी. एक शतरंज की बाजी बड़े मियाँ के साथ. जी. बड़े मियाँ जानते हैं. हाँ. पूरे का पूरा आकाश घुमाकर देखी बाजी. पूरे का पूरा आकाश घुमाकर देखी बाजी. काले घर में सूरज चलकर तुमने शायद सोचा था मेरे सब मोहरे पिट जाएंगे. वाह वाह. I'm talking to him. Yes. काले घर में सूरज चल के तुमने शायद सोचा था मेरे सब मोहरे पिट जाएंगे. मैंने एक चिराग जलाकर रोशनी कर ली, अपना रास्ता खोल लिया. क्या बात है, क्या बात है. तुमने शायद सोचा था मेरे सब मोहरे पिट जाएंगे. मैंने एक चिराग जलाकर रोशनी कर ली, अपना रास्ता खोल लिया. तुमने एक समंदर हाथ में लेकर मुझ पर ढेल दिया. बहुत अच्छे. यू नो द तमसील. यस. तुमने एक समंदर हाथ में लेकर मुझ पर ढेल दिया. मैंने नूह की कश्ती उसके ऊपर रख दी. क्या बात है. नूहस बोट. जी 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 जी. काल चला तुमने और मेरी जानिब देखा. काल चला तुमने और मेरी जानिब देखा. मैंने काल को तोड़ के लम्हा लम्हा जीना सीख लिया. वाह क्या बात है, क्या बात है. काल इज अ ह्यूज थिंग. टाइम इज अ ह्यूज थिंग विच यू डील. काल चला तुमने और मेरी जानिब देखा. मैंने काल को तोड़ के लम्हा लम्हा जीना सीख लिया. मेरी खुदी को मारना चाहा तुमने चंद चमत्कारों से. मेरे एक प्यादे ने चलते चलते तेरा चांद का मोहरा मार लिया. आई हैव रीच्ड देयर. मौत की शह देकर तुमने समझा था, अब तो मात हुई. मौत की शह देकर तुमने समझा था, अब तो मात हुई. अब तो मात हो गई. हाँ. मैंने जिस्म का खौल उतारकर, खौल इज कवर. हाँ. मैंने जिस्म का खौल उतार के सौंप दिया और रूह बचा ली. वाह. आई गेव यू द बॉडी बट सेव्ड माय सोल. सेव्ड माय सोल. मौत की शह देकर तुमने समझा था, अब तो मात हुई. मैंने जिस्म का खौल उतार के सौंप दिया और रूह बचा ली. पूरे का पूरा आकाश घुमाकर अब तुम देखो बाजी. क्या बात है, क्या बात है. गुलजार साहब, यहां ऑडियंस में आपके बहुत से चाहने वाले हैं. हमारे पास इन सब के नाम इस बोल में लिखे हुए हैं. अच्छा. इसमें से आप एक नाम निकालेंगे और जिसका नाम आएगा उसको आपके पास बैठने का भाग्य प्राप्त होगा और वो आपसे एक दो बातें भी कर सकता है. तो आप बताइए
जी मेरा ख्याल है कलर ग्रीन उठा लिया जाए। जी बिल्कुल। विशेष विशेष नाम अच्छा है आपका। थैंक यू। क्या करते हो विशेष? सर मैं जर्नलिस्ट हूँ बेसिकली प्रोफेशन से। खुद लिखता भी हूँ और बाकी पब्लिकेशंस के लिए भी लिखता हूँ। ओ मतलब राइटर हो? राइटर। अच्छी बात है। राइटर आपकी किस्मत विशेष रूप से खुली है फिर तो आज। बिल्कुल वही भीष्म पितामह के साथ बैठने का मौका मिला। मैं सर मैं जानना चाह रहा था आपसे कि अगर दिल में गम होगा, दिल गम से भारी होगा तभी अच्छा लिख पाएंगे, ऐसा जरूरी है? एक अच्छे राइटर के लिए एक दिल टूटना बहुत जरूरी है? नहीं, क्योंकि ये जरूरी है नहीं। अच्छा। कि दिल टूटे। बड़ी चीज जो मुझे महसूस होती है वो ये कि हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ लाइफ, कि आप कितने वाकिफ हैं जिंदगी से या कितने अपने आप को वाकिफ रख रहे हैं। आप जो महसूस कर रहे हैं वो क्या है, जो महसूस कर रहे हैं अगर आप वो बयान कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। क्या बात है, आई थिंक दैट्स सच अ वंडरफुल। सर मैं सुनाना चाहूंगा, दो लाइनें हैं। जी सुनाइए। मैंने अभी थोड़ा वक्त पहले लिखी है। ना शिकवा होगा तुझसे, ना शिकायत कोई होगी। ना शिकवा होगा, ना शिकवा होगा तुझसे, ना शिकायत कोई होगी। तू मोहब्बत ले फकत, बाकी गुनाह मेरे सर रख दे। वाह अच्छा। गुलजार साहब की कुछ पसंदीदा चीजों की एक छोटी सी गिफ्ट आपको देते हैं। गुलजार साहब आप ये अपने हाथों से, हमने आपकी पसंदीदा कुछ चीजें ली हैं। अच्छा। ये आप इस पर अगर आप साइन कर दें। विशेष। ये लो। विशेष मौका है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट। गुलजार साहब जी, मुश्किल है मेरे पास, मैं शब्दों का उतना धनी नहीं हूं कि आपका शब्द ढूंढ के मैं शुक्रिया अदा करूं। मैंने कुछ शब्द एक छोटे से कागज के टुकड़े पर अपनी तरफ से लिखे हैं, जो मेरे जज्बात हैं जो मैंने लिखा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। प्लीज। और फिर अगर आप इसको दो दिन के लिए भी अपने स्टडी में रख लेंगे तो हम बहुत खुश होंगे। आइए। विश्व लेख जगत के अनमोल रत्न गुलजार साहब, आपको हमारा नमन। आप सारांश हैं एक रचनात्मक सोच का। आपकी कविताएं, किस्से व कहानियां समाज की छिपी परछाई को प्रकाशित करती हैं। आपका काज कलम की अनंत क्षमता का एक स्वरूप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी को प्रेरणा व मनोरंजन प्रदान करता आया है। आप विश्व जगत में हर भारतीय का अभिमान है। आप अपनी स्याही से हमारे जीवन में शब्दों के रंग इसी तरह भरते रहे, यही हमारी अपेक्षा है। अनुपम खेर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास रहेगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों। गुलजार साहब से यूं रूबरू होकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी मिली होगी। जीवन की सफलता जितनी बड़ी होगी उतनी लंबी होती है संघर्ष की कहानी। तो संघर्ष करते रहिए, क्योंकि आपका संघर्ष किसी अन्य के लिए प्रेरणा बन सकता है। और फिर है ना हमारी फिलॉसफी, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। शुभ रात्रि। गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है।
अब एक गैंगस्टर शराब पी के और के यही गाएगा ना, अब वहां दिले नादा तो ये हुआ गया है तो नहीं गा सकता। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.